खेसारी लाल यादव ने आज एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि अब वो गुजरात जा रहे हैं जहां पर वो किसी बच्चे को गोद लेंगे। तो वहीं इसी के साथ खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। जी हां, जो जिसमें खेसारी ने कहा है कि उनके नाम से फर्जीवाड़ा करके लड़कियों से नंबर और फोटो लिए जा रहे हैं। इसके बारे में और क्या कहा खेसारी लाल यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। कोई भी मेरा नाम, मेरा फोटो डाल के आईडी पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, कोई भी आदमी अगर फेक आईडी बना के और मेरे नाम से कुछ बोलता है कि मैं खेसारी लाल बोल रहा हूँ, तो 20 मिनट फोन कर रहा हूँ, रुकिए। तो प्लीज़ आप लोग उसको हकीकत ना माने और उसको प्लीज़, मैं ये सब हरकतें, लोग चीप हरकतें करते हैं। कल एक नेपाल से लड़की ने मुझे कुछ फोटोग्राफ भेजे, बड़ी अश्लील। मैंने उनको बोला जी आपने ऐसा क्यों भेजा मुझे, तो उन्होंने मैसेज किया मुझे कि मैं, आपने खुद ही मांगा था मेरे से ये फीक, इसीलिए मैंने भेजा। हाँ? मैं बोला कि मैं कब मांगा था आपसे, तो नहीं आप याद करिए आपने मांगा था। मैं बोला कि जिस नंबर से अगर मैंने आपसे मांगा है वो नंबर तो आपके पास होगा ना, उसने नंबर भेजा। वो मैंने आज तक उस नंबर को मैं जानता तक नहीं कि वो नंबर किसका है, वो 94 से कोई नंबर था। फोन करता हूँ तो इसलिए मैं हर बहन से बोलता हूँ, प्लीज़ बहन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी फेक आईडी बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा प्लीज, और उस आदमी का नंबर है ये खेसारी जी के नाम से जो बात उन लड़कियों से करते हैं, 9453773477। इसी नंबर से इन्होंने कितने लड़कियों को फ्रॉड किया है, तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा फ़ोटो अगर कहीं भी लगा है ना तो उसको हकीकत मत मानिए। मैं किसी भी शो में जाता हूँ तो मैं पहले अपना अपने जुबान से बोल देता हूँ कि मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, जहाँ मैं बोलता हूँ वहीं मैं आता हूँ, जहाँ मैं नहीं बोलता हूँ वहाँ नहीं आता हूँ। तो कहीं भी लोग मेरा पोस्टर लगा के और आप सबको प्रचार कर देते हैं, आप सबको गुमराह करते हैं, तो प्लीज आप लोग गुमराह मत। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजप्रिया से प्रियंका की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।